हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड। सो दोस्तों, कल के दिन मेरी सोसाइटी में था क्रिसमस कार्निवल, जहाँ कि हम सब लोगों को स्टॉल लगाने थे। तो मैंने भी एक स्टॉल लगाया और उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई और कैसे किया सारा दिन मैंने काम, उसी से रिलेटेड ये आज का मेरा ये वीडियो है। तो मैंने बनाए थे डोनट्स। सबसे पहली डिश मैंने यही बनाई, डोनट्स। तो इसके लिए मैंने डोनट्स वगैरह बना के रेडी कर लिए, चॉकलेट मेल्ट की और चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में कट किया। और इसको बाद हम डबल बॉयलर की सहायता से इसे यानी मेल्ट करेंगे। तो पहले मैंने एक भगोने में गर्म पानी होने रख दिया, उसके ऊपर से मैंने छोटा बर्तन ये रख दिया जिसमें मैंने चॉकलेट कट करके रखी हुई थी। तो इसको हम इसी तरीके से मेल्ट करते हैं और बहुत ईजली मेल्ट हो जाती है ये। तो इसको मेल्ट होने के बाद अच्छे से हम इसे स्मूथ कर लेंगे, उसके बाद हम इसे चॉकलेट सॉरी डोनट्स पे अप्लाई करेंगे। तो ये गर्म हो चुकी है, अब इसको हम चम्मच से विस्क करेंगे जिससे कि ये एकदम स्मूथ चॉकलेट पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ, एकदम क्रीमी जैसा इसका पेस्ट रेडी हो गया चॉकलेट का। तो ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और ध्यान रखिएगा इसमें एक भी लम्ब्स ना रहें। अगर आपको थिक लगे तो थोड़ा सा आप इसमें हॉट मिल्क या फिर हॉट वाटर डाल के इसे और पतला कर सकते हैं। और मैंने ये डार्क कंपाउंड ली हुई है। तो चॉकलेट हमारी अच्छे से देखिए मेल्ट हो चुकी है, इसमें एक भी लम्ब्स नहीं है। तो अब हमारे जितने भी डोनट्स हैं ना, इनको हम चॉकलेट में डिप कर लेंगे। तो इस तरीके से आप ऊपर की लेयर ऐसे पकड़ के आप इसे डिप कीजिए और सारा चॉकलेट थोड़ा सा साइड तिरछा करके सारा निकाल के आप इसको अलग से एक दूसरे बर्तन में रखते जाइए। तो इसी तरीके से आपको ये सारे डोनट्स कर लेने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे डोनट्स के ऊपर चॉकलेट अप्लाई कर दिया है। और इसके ऊपर हम डाल देंगे शुगर स्प्रिंकल। जब तक ये चॉकलेट हल्की सी गीली है तब तक आप इसमें डाल सकते हैं। अगर एक बार ये ठंडी हो गई ना चॉकलेट, तो फिर ये शुगर स्प्रिंकल जो भी हम डाल रहे हैं ये इस पे स्टिक नहीं होते। तो ध्यान रखिएगा डोनट्स बनाते समय। तो इसके बाद हम पैटीज की और समोसे की भी तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए हमने इसका स्टफिंग रेडी कर लिया। सॉरी दोस्तों, मैं बहुत ही विस्तार से एक एक चीज़ का वीडियो नहीं बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो शॉर्टली मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो यहाँ समोसे की फिलिंग भी एकदम रेडी है, ऊपर से मैंने थोड़ा चाट मसाला इसमें ऐड किया है। तो ये मिक्स हो चुका है, अच्छे से बन चुका है। तो इसको भी हम निकाल कर एक बाउल में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो एक साइड हम समोसे भी फ्राई करने रख दिए हैं, समोसे भी अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। और एक साइड में बनाती भी जा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा, शाम तक मुझे सारी चीज़ें पूरी करनी है। तो समोसे बनाना भी बहुत ही इजी है, एक रोटी को बना करके लंबा लंबा सा बीच से कट कर लीजिए और साइड के एजेस में पानी लगा के इस तरह से आप कोन के तरीके से इसे प्रिपेयर कर लीजिए। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो भी मैंने फिलिंग बनाई हुई है वो। थोड़ा सा समोसे का आटा गीला हो गया डो, तो स्ट्रिक्टली ये रुक नहीं रहा है, सॉफ्ट की वजह से इधर मुड़ रहा है। तो इसलिए इजली मैं हाथ से इसमें फिलिंग भरती हूँ और भर करके इसे अच्छे से साइड से हमने एजेस में पानी लगाया हुआ है। और इसके बाद इनको हम फोल्ड कर लेंगे पीछे से प्लेट देते हुए, इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए समोसा बनकर एकदम रेडी है। इसी तरीके से हमने सारे समोसे बनाकर रेडी किए हुए हैं। तो बस समोसा भी बहुत ही ईजी है, तो इनको फ्राई होने में थोड़ा टाइम जाता है, इसलिए मैं जल्दी से बना बना करके इनको फ्राई करके रख रही हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम टाइम बचा है नीचे स्टॉल के लिए। तो ये फिलिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो मेरी दो डिशेस तो पूरी हो चुकी है, एक तो समोसा पूरा होने वाला है। और दोस्तों यहाँ मेरे समोसे भी फ्राई हो चुके हैं, तो ये भी बनकर रेडी हो गए हैं। तो मेरी दो डिशेस कंप्लीट हो गई हैं।
और इसके बाद हम बनाएंगे तीसरी डिश जो है रगड़ा चाट। तो रगड़ा चाट के लिए मैंने भिगोई थी ओवरनाइट वाइट मटर, आप 2 से 3 घंटे भी भिगोएंगे तब भी ये भीग जाएगी, तो मैंने इसे नाइट में ही भिगो दिया था। तो मटर अच्छे से भीग चुकी है और मैंने यहाँ 1 kg मटर लिया हुआ है। इसमें हम हल्का सा सॉल्ट और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डाल करके इसे हम बॉईल करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे आलू। आलू रगड़ा चाट में ऐसे आप कट करके डालेंगे ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बीच बीच की बाइट में जब आलू आता है ना खाने में तो बहुत अच्छा लगता है। तो 2 से 3 सीटी आने के बाद मटर भी अच्छे से बॉयल हो गई है। तो ये देखिए, ये भी अच्छे से बॉयल हुई है, एकदम पक चुकी है। तो इसे भी हम निकाल कर अलग कर लेंगे, इसको ठंडा होने देंगे और इसके बाद हम बना लेंगे पैटीज़। इसके बाद मैंने आलू वगैरह को मैश कर लिया और इसकी मैंने बना ली है टिक्की, मतलब रगड़ा पैटीज, और इनको हम तेल में फ्राई कर लेंगे। हल्का सा हम फ्राई करेंगे इनको और हल्के से जैसे ये गोल्डन ब्राउन फ्राई होने लगेंगे उसके बाद हम निकाल कर इनको अलग कर लेंगे और पैन में चपटा कर करके इनको थोड़ा सा और पतला कर करके अच्छे से ऑयल में पका लेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी जैसा हम इसे बना कर रख लेंगे। तो मैंने काफ़ी टिक्कियाँ बनाई, कम से कम 80 पैटीज़ मैंने बनाई थी कल, तो काफ़ी होगी। इसमें से 8-10 बच भी गई ऑलमोस्ट। और रगड़ा भी देखिए हमने तड़का तड़का लगा के बढ़िया टमाटर प्याज में रेडी। तो भाजी की सब्जियां मैंने सारी बॉईल कर ली, अब हम भाजी बनाने जा रहे हैं। और मटर थोड़ी मुझे छीलनी है तो मैं और मेरी बेटी कुक्कू दोनों मिलकर हम लोग मटर छील रहे हैं, काफ़ी मटर छील भी ली है ये देखो। और इसके बाद हम बना रहे हैं पाव भाजी की ग्रेवी के लिए तड़का। तो सारी चीज़ें बनकर रेडी हैं, लहसुन गार्लिक टमाटर प्याज इन सभी चीज़ों को। और इसके बाद डाल देंगे हम इसमें बॉयल्ड मैश की हुई सब्जी। सब्जी में मैंने गाजर मटर आलू गोभी और बीटरूट, कलर देने के लिए बीटरूट मैं अक्सर यूज़ करती हूँ पाव भाजी में। इन सभी को डाल के मैंने अच्छे से पका लिए और ऊपर से डाल दूँगी मैं बटर। दोस्तों पाव भाजी जब भी बनाएं बटर और ऑयल दोनों में मिक्स करके बनाएं, इससे बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा बटर डाल दिया था। और हाँ दोस्तों, पाव भाजी मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। तो इस तरह से मैंने भाजी भी बनाकर रेडी कर ली, ऊपर से डाल दूँगी फ्रेश हरा धनिया, माई फेवरेट। तो इस तरह से पाव भाजी भी बनकर रेडी है। पाव को भी हमने बेक कर लिया था बटर में। और इसके बाद हम लोग गए नीचे जहाँ पार्टी होनी थी, कार्निवल जहाँ होने वाला था। तो ये देखिए गार्डन दोस्तों, बहुत सुंदर सजाया गया पूरे गार्डन में, चारों तरफ बलून। और ये देखिए स्टॉल लग रहा है। हाय, गेम का है यहाँ पर? हाँ नहीं, पूछ रही हूँ यहाँ पे गेम का है ना सारा स्टॉल? अभी मैं भी सामान लेकर आई हूँ, फिक्स नहीं किया है वही मैंने कहा थोड़ा वीडियो भी बना लूँ उनके लिए। Okay.
नमस्ते। हीरो मम्मा कहाँ है? मम्मा ऊपर है, मम्मा खाने को स्टार्ट करेंगे, मम्मा आएंगे। ओके। इधर पे कौन सा शॉप लगाई है? नींबू पानी चाहिए। अच्छा कप केक, ओके। नींबू पानी एक, ये क्या है? चॉकलेट ऐसे स्वीट से। हाँ हाँ स्वीट से। आपने सूट लगाया ना? ओके। सब बढ़िया है, अब आ जाओ। नहीं अभी नीचे, अभी ऊपर से लाई नहीं है ना, गरम थोड़ा लेकर आएंगे इसलिए।
देखो दोस्तों, मैंने डोनट्स, लगड़ा पैटीज, चाट, पाव भाजी एंड पानी पूरी, एक स्टॉल पे 2 से 3 आइटम ही लगाने थे, पर मैंने चाट के साथ साथ पानी पूरी भी लगाई। और पानी पूरी जो चली ना कि 1 मिनट का भी टाइम नहीं बचा, 2 से 3 घंटे हम लोग ऐसे ही खड़े खड़े रह गए और एक भी खाने के आगे स्टॉल की वीडियो नहीं बना पाए। और प्रोग्राम का भी मैं इंजॉय ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि स्टॉल में इतनी भीड़ थी। और स्टॉल अब चालू हो चुके हैं, 7:30 हो रहा है टाइम, तो सारे स्टॉल चालू हो चुके हैं, तो मेरा कुछ कुछ सामान अभी ऊपर से आया नहीं, आने वाला है। तो बच्चे बार बार पूछ के जा रहे हैं, आंटी कब आएगा कब आएगा। तो जैसे ही आया ना, तो एक बच्चा तो तुरंत ही स्टार्ट था कि पाव भाजी ही उसे खानी है। वो काफ़ी देर से वेट कर रहा था, जैसे आए तो सबसे पहले वो लेकर गया। इस तरह से मैंने ये स्टॉल पूरा किया और बहुत ही मज़े किए, मस्ती की और काफ़ी कुछ बनाया। सो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।